आपका मेरे YouTube चैनल द मॉम्स मैग्निफिशिएंट किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन करी। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो सबसे पहले गैस पे कुकर को रख के गरम कर लें और दो बड़े चम्मच तेल डाल लें, सरसों का तेल। मैं 700 ग्राम चिकन बना रही हूँ, इसलिए मैं दो बड़े चम्मच ही तेल डाल रही हूँ और दो तेज़पत्ता। ये भी थोड़ा थोड़ा गर्म हो चुका है। अब दो से तीन लाल मिर्च, सूखा लाल मिर्चा और लहसुन 4 से 5 और प्याज 2 से 3 मीडियम साइज़ का लेके काट के और ऐसे डाल देना है, रफली चॉप करके, और इसको सुनहरा होने तक थोड़ा भून लेते हैं। अब थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं, जिसके प्याज थोड़ा सा गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। जब भी प्याज भुने तो थोड़ा सा नमक डाल दे, तो इससे जल्दी प्याज भुन जाता है। अब एक साइड में मसाला भून लेते हैं। ये मसाला बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आता है। तो जीरा है, दालचीनी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और सजीरा, थोड़ा सा पोस्ते का दाना और काली मिर्च। इस सारे को ऐसे ही करके भून लेते हैं, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना भून लें कि ये अच्छे से पिस जाए। इसको आप चाहें तो मिक्सी में या तो फिर खलबट्टे में ड्राई ही कूटना है इसको, और फिर कूट के तैयार कर ले। मैंने पहले से ही मीट मसाला भिगो के रख दिया था 2 बड़े चम्मच। आप जो भी मीट मसाला इस्तेमाल करते हैं उसको डाल लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ी सी हल्दी 1/2 छोटी चम्मच और मिर्चा 1.5 के लगभग। मिर्चा आपको जैसा पसंद है उसी हिसाब से रखिएगा। और 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और फिर ये प्याज भी लगभग तैयार हो चुका है। अब इसमें जो भीगा हुआ मसाला है अब उसमें डालना है। तो पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल लेते हैं, और इसको थोड़ी देर, तो 1 से 2 सेकेंड इसको भून लेते हैं। थोड़ा फ्लेम तेज ही रखें। अब ये भी भून चुका है, फिर मसाला डाल लेते हैं जो मसाला भिगो के रखे थे। इसमें थोड़ा सा पानी घोल के इस तरह डाल लें और फिर मसाला थोड़ा भून लेते हैं। इसको भी 2 से 3 मिनट लगेगा भुनने में। अब ये जो कूटा हुआ मसाला है आप चाहें तो मिक्सी में पीस लें, या तो फिर जैसे बताया कि खलबट्टे में, जिसमें भी आपको आसान से हो जाए। फिर इसको कूट के रख लें अलग, और मसाला भी लगभग तैयार हो चुका है। साइड साइड से तेल भी छूटने लगा है। अब चिकन डाल देते हैं इसमें। और जब भी आप चिकन चलाएं तो नीचे से तले से लेके और ऊपर ऐसे मिक्स करें, नहीं तो चिकन बहुत जल्दी टूटने का डर रहता है। तो ऐसे ही चलाएं, बस थोड़ा मिक्स कर लें, उसके बाद थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं इसको। और थोड़ा सा और नमक डाल देते हैं। पहले प्याज में भी मैं डाल चुकी हूँ, और ये अंदाजे से फिर आप डालें, और एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखिए अच्छे से तैयार हो गया, पानी भी साइड साइड से छूट गया है प्याज का। और एक दो बार और चला लेते हैं इसको। देखिए अब ये तैयार हो चुका है बिल्कुल।
अब हमको इसमें सूखा जो मसाला कूट के रखे हैं उसको मिलाना है। ये सारे मसाले को मिला लेते हैं। इसे दरदरा ही कूटना है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं बनाना है। अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं, इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा बढ़ जाता है इसका। तो आप जब भी चिकन करी बनाएं तो इसी तरीके से बनाएं, बहुत ही अच्छा बन के उतरेगा। और इसको ढक के थोड़ी देर और भून लेते हैं। अब ये देखिए भून भी चुका है। अब जो भुना मसाला था उसका भी फ्लेवर इसमें आ गया है और अच्छे से अब तैयार हो गया है ये। और आप अपने हिसाब से पानी भी डाल लें इसमें। मैं लगभग 1.5 कटोरी के लगभग पानी डाली हूँ। अगर आपको रसा ज़्यादा रखना है तो थोड़ा पानी बढ़ा दें, नहीं तो फिर अपने हिसाब से रखें। थोड़ा पानी कम लग रहा तो थोड़ा सा पानी और मिला देते हैं। अब एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर ले, मिला देते हैं। और हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च काट के ऐसे 20 से काट काट के, और थोड़ा सा धनिया। धनिया मैं हमेशा ऐसे ही डालती हूँ, इससे फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है। तो आप भी जब बनाएं तो ऐसे ही डालें। और फिर गैस ढक्कन लगा देते हैं और थोड़ा गैस को तेज कर देते हैं। अब ये तैयार हो चुका है, 1 से 2 सीटी में ये तैयार हो जाएगा। आप 2 सीटी लगा लें, तैयार हो जाएगा। देखिए कलर भी इसका कितना अच्छा आया है और ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है अब। और फिर थोड़ा ऊपर से धनिया डाल देते हैं। अब इसे गरम गरम चावल, रोटी और कटे हुए प्याज के साथ सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।